गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम जो है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कल हमने बिजनेस रिस्क के बारे में स्टडी की थी। अब हम जो है बिजनेस रिस्क के कॉजेज, यानी कि बिजनेस के अंदर रिस्क एक सबसे बड़ा एलिमेंट है। और ये बताया था मैंने आपको कल भी कि बिजनेस के अंदर जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर बिजनेस रिस्क कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, और उसके अगेंस्ट ये उस रिस्क को कवर करने के लिए बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी करवाती है, अपने कम्युनिटी का इंश्योरेंस करवाती है, अपने गुड्स इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस करवाती है, अपने यहाँ के एम्प्लॉई तक का इंश्योरेंस करवाती है कि अगर इंसिडेंटली कोई एक्सीडेंट उससे वर्किंग आवर्स में हो जाए तो फिर उसका कंपेंसेशन जो है वो मिल सके। तो यहाँ पर बिजनेसेस होने के कारण कौन हो सकते हैं वो कॉजेज हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। पहला कॉज हम डिस्कस करते हैं नेचुरल कॉजेज। नेचर इज इंडिपेंडेंट फिनोमिना, क्योंकि नेचर जो है वो एक इंडिपेंडेंट फिनोमिना है। किसी भी ह्यूमन बींग के बनाने से कोई नेचर नहीं बनती, वो ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में इंक्लूड होती है। इसलिए कहा गया है कि नो ह्यूमन बीइंग हैव नो कंट्रोल ओवर द नेचुरल कॉज, यानी कि उसने कहा है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल नहीं होता है किसी भी चीज के ऊपर भी कि वो उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो मूव करा ले। इसलिए कहा गया है कि अब नेचर की क्या कंडीशंस है, नेचर जब अपना फेस चेंज करती है तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट जो है वो बिजनेस पर पड़ता है, अगर हम बिजनेस टर्म की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी पर भी पड़ता है, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि नेचुरल जो नेचर जो चेंज करता है अपना फेस वो किन किन तरह से करता है कि नेचुरल कैलामिटी लाइक फ्लड, बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, ड्रॉट सूखा पड़ जाता है, फेमाइन हो जाता है। तो ये जो है ये नेचर अपना मूड जब चेंज करती है तो उसका कोई कंफर्मेशन तो होता नहीं है, उसका अगर इफेक्ट हम बिजनेस टर्म के अंदर इंक्लूड करने लगे या उसके साथ जोड़ने लगे तो इन चीजों की वजह से हमारा बिजनेस जो है वो इफेक्ट होता है, वो रिस्क अराइज हो जाता है। एफेक्ट बिजनेस अलॉट बहुत अत्यधिक होता है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कमी के साथ हो रहा हो कि थोड़ा बहुत बिजनेस जो है इफेक्ट हुआ और फिर वो रेगुलराइज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड कैन रिजल्ट इन हैवी लॉसेस, और जब नेचुरल कैलामिटी होती है, नेचर अपना मूड चेंज करती है क्योंकि उसके ऊपर कोई कंट्रोल तो है नहीं, कब करेगी ये भी कोई टाइम डिसाइडेशन नहीं है, और उसका डायरेक्ट जो असर है वो बिजनेस पर पड़ता है, बिजनेस की ग्रोथ पर पड़ता है। उससे क्या दिखाई देता है कि बहुत बड़ा लॉस अराइज हो जाता है। द नेचुरल कॉजेज आर सच टाइप ऑफ अनसर्टेन फैक्टर्स दैट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट मेक एनी प्रिपरेशन अगेंस्ट इट। क्या बताया गया यहाँ पे, ये चीजें बिल्कुल क्लियर एंड क्लियर कर दी गई हैं कि नेचुरल कॉज एक ऐसा कॉज है कि जब नेचर अपना मूड चेंज करती है, नेचुरल कैलामिटी अराइज होनी होती है, तो किसी भी ह्यूमन बीइंग को, चाहे वो एज ए एंटरप्रेन्योर हो, एज ए बिजनेसमैन हो, एज ए सोल प्रोप्राइटर हो, उसे पहले से इस बात का कोई इंट्यूशन, कोई इंटीमेशन नहीं होता है कि वो पहले से उसकी तैयारी करके, उससे बचने के लिए तैयारी करके रखे। अगर उसको ये इंटीमेशन पहले से हो जाए तो वो उसके यहाँ पर कोई बिजनेस के अंदर रिस्क ही ना हो, कोई लॉस ही ना हो। लेकिन क्योंकि नेचर अंडर कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नेचर पर नहीं है, इसलिए जब भी वो अपना मूड चेंज करती है तो वो एज ए अर्थक्वेक के रूप में करती है, ड्रॉट के रूप में करती है, फेमाइन के रूप में करती है, फ्लड के रूप में करती है, और उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हमारे बिजनेस पर पड़ता है, और बिजनेस के अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए हमें हैवी लॉस को बियर करना पड़ता है। और जिस बिजनेसमैन में अपने लॉस को बियर कर दिया बिजनेस के, वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन माना जाता है। अगर उसने लॉस को बियर करने की कैपेसिटी उसके अंदर नहीं है तो वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं माना जाता। तो यहाँ पर हमने नेचुरल कॉज पढ़ लिया, उसके बाद में अब हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, ह्यूमन कॉजेस। बेटा सेकेंड कॉज है आपका ह्यूमन कॉज। तो ह्यूमन कॉज भी एक ऐसा कॉज है कि जिसकी वजह से
बिजनेस के अंदर रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि वर्कर या ह्यूमन बीइंग को कैपिटल कहा गया है, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। हर बिजनेस का एक इंटरनल सोल है, उस सोल का नाम ह्यूमन कैपिटल है। हर चीज लास्ट में आकर वर्कर पर, एम्प्लॉई पर ही डिपेंड करती है, और एम्प्लॉई के भी अपने कुछ कॉज की वजह से बिजनेस के अंदर रिस्क जो है वो अराइज कर सकता है। उसके अंदर ह्यूमन का क्या रोल है? ह्यूमन का रोल ये बताया गया है कि ये जो जितने भी आपके कॉजेज हैं ह्यूमन रोल के अकॉर्डिंग, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को रोकने का काम भी कर सकते हैं। उसके अंदर सक्सेस होना, टास्क को अचीव होने से भी रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हर चीज एक एम्प्लॉय के ऊपर, एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर बता दी गई कि उसके कुछ कारणों की वजह से बिजनेस रिस्क जो है वो अराइज हो सकता है। तो यहाँ बताया गया कि दीज कॉजेज आर रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग। ये सब कॉज जो बताए जाएंगे आपको ह्यूमन से रिलेट करने वाले, वो सब जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के को भी रिलेट करने वाले हैं, और बिजनेस के अंदर रिस्क को भी इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो अब वो बात करते हैं कि एम्प्लॉई के अंदर वो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जो बिजनेस को एक रिस्क के अंदर इन्वॉल्व कर सकती है। सबसे पहली बात आती है ह्यूमन बीइंग के अंदर डिसऑनेस्टी की, यानी कि वो बेईमान हो। द डिसऑनेस्टी ऑफ एन एम्प्लॉई ऑफ एम्प्लॉयज कैन ब्रिंग हैवी लॉसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉय अगर है, तो वो इस वजह से, क्योंकि वो डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, इस वजह से भी बिजनेस को वो रिस्क के अंदर इन्वॉल्व करा सकता है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। अब यहां पर डिसऑनेस्टी होना किस तरफ इशारा कर रहा है, किस चीज को डिनोट कर रहा है? कि वो पर्सन जिस पर फेथ किया गया, भरोसा किया गया, वो एग्जाम्पल के रूप बताया गया है कि वो अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को लीक कर दे। जो अपने यहाँ पर कंपटीटर कंपनीज हैं, उनको अपने यहाँ की प्लान और पॉलिसी जो फ्रेमिंग की गई है वो उनको बता दे। तो समझ में आता है कि वो एम्प्लॉई क्या कर रहा है, वो एम्प्लॉई डिसऑनेस्ट हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरा फ्रॉड, यानी कि चाहे वो फ्रॉड पैसे का हो, चाहे वो फ्रॉड प्लानिंग करने का हो, चाहे वो फ्रॉड वर्किंग कराने का हो, चाहे वो फ्रॉड क्या कहना चाहिए आपके कंट्रोलिंग करने का हो, फ्रॉड किसी भी टाइप का अगर बिजनेस के अंदर हो रहा है और इंटरनल एम्प्लॉय उसका वो फ्रॉड कर रहा है, तो उसका डायरेक्ट असर जो है वो किस पर पड़ता है? आपके बिजनेस के ऊपर पड़ता है, और वो रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। द एम्प्लॉय मे बी केयरलेस। तीसरी चीज क्या है कि एक एम्प्लॉय है, हम उसे हमने अपॉइंट कर लिया, वो एम्प्लॉय अपने काम को कर तो है, लेकिन टाइम को आउट ऑफ वे करता है, उसके अंदर लेजीनेस को क्रिएट करता है। तो ये भी एक कारण क्या है, ह्यूमन के क्या कहना चाहिए, ह्यूमन कॉज है बिजनेस रिस्क को इन्वॉल्व करने के लिए। एंड दूसरा कारण क्या है कि एक एम्प्लॉई है, एक वर्कर है जिसे हमने रख रखा है, उसको मशीन ऑपरेट करने के लिए रख रखा है, लेकिन वो मशीन को सही तरीके से हैंडल नहीं करता, मिस हैंडलिंग करता है, नुकसान पहुंच जाता है, तो वो भी बिजनेस का एक रिस्क है। चौथी चीज क्या है कि वो एम्प्लॉई जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो उन एनफ रिसोर्सेज को, उन सफिशिएंट रिसोर्सेज का मिसयूज करता है, उसे प्रॉपर वे के अंदर यूज नहीं करता, उसके अंदर वेस्टेज ज्यादा करता है और उसका यूसेज कम करता है। तो वो ये भी एक कॉज है ह्यूमन का, जो ह्यूमन ह्यूमन जो है वो बिजनेस के रिस्क को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने पांच ऐसे कॉज बता दिए जो ह्यूमन से रिलेट करते हैं, और ह्यूमन बीइंग ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो वो बिजनेस को रिस्क इन्वॉल्व कर रहा है या रिस्क फ्री कर रहा है, इन सब तरीकों से एक ह्यूमन बीइंग जो एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ही बिजनेस को, अपने ही बिजनेस को रिस्क के अंदर इन्वॉल्व कर रहा है, बल्कि रिस्क फ्री नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पर दो कॉजेज आज रीड आउट किए हैं, पढ़े हैं, आप इनको डीपली पढ़िए और कल पूछिए।